ताज़ा तरीन खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर देखते हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। मैं हूं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। पहले ही बारिश में TMC की पोल खुल गई है। नाले की सफाई पर करोड़ों रुपए खर्च किया गया, मगर बारिश में नालों की कितनी सफाई हुई है इसका पोल कल शाम पहली बारिश में ही खुल गई। जगह जगह पानी भर गया। हम आपको कल रात की तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरह से लोगों की दुकानों में पानी भर गया है। अगर पहली ही बारिश में ये हाल है तो आगे क्या होगा। जिस तरह से कल बारिश हुई, तेज हवाओं के साथ चांद नगर में एक पेड़ भी गिर गया, मगर इसमें किसी के घायल होने की खबर नहीं है। हम आपको आज हुई बारिश की तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरह से जल भराव हुआ है। जरा सी बारिश में मुंब्रा शहर का ये हाल है। ये तस्वीरें दारुल फला मस्जिद के पास की हैं, जहां पर जरा सी बारिश में ही इतना जल भराव हो गया है। आप देखिए किस तरह से जरा सी बारिश में इस तरह का जल भराव हुआ है, तो आगे क्या हाल होगा मुंब्रा शहर का। देखिए, बाद में आपको आपके जरिए बताना चाहता हूँ कि मुंब्रा कौसा के जो नाले की सफाई के लिए 1.25 करोड़ रुपए का लगभग टेंडर दिया गया, लेकिन इस बार जो नाला सफाई है वो 40% हुई। इसका कारण बताता हूँ। जो कॉन्ट्रेक्टर है उसने सभी जगह पे बड़े नालों में JCP का यूज़ किया, नहीं तो ज़्यादातर पहले जो नाले की सफाई पोकलेन से होती थी। पोकलेन और JCP से सफाई करने में अंतर आप समझ गए होंगे, क्योंकि पोकलेन नीचे तक जाता और पोकलेन में ज़्यादा ताकत होती है कचरा उठाने की क्षमता लेकर के, वही JCP कमजोर होता है पोकलेन के कंपेरिजन में। इसीलिए नाले सफाई 40% हुई है, 100% नाले सफाई नहीं हुए। जितने कलवट है तो सारे कलवट आज भी जाम है। कैलाश नगर नाला, दरगाह रोड नाला, नसीमबाग नाला, मित्तल का नाला, ऐसे ही मेन रोड के ज़्यादातर नाले 40% सफाई हुए। सबसे बड़ा ब्रश जो कॉन्ट्रेक्टर होते जो यहाँ का पूरे सिस्टम है वो नाले सफाई के कॉन्ट्रेक्टर होते हैं। अलग अलग नाम है, भालोशाली है, ये सब इनके जिनके मेन जो सत्ताधारी है ना, इनके चेले। इसीलिए इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती। आप महासभा में चिल्लाओ, आपके शहर में पानी भर जाए, आप कितना भी चिल्लाओ, आप अपोजिशन में हो फिर चिल्लाओगे ना, उनको मालूम है। आप इनका एक थ्योरी है हमेशा से, पहली थोड़ी सी मानसून होगा, पहली बारिश आएगी, वो तो बारिश में ही कचरा बाहर निकल जाता है, ये बोलते हैं हमने साफ किया। ऐसा नहीं होता है। सबसे बड़ा करप्शन जो है ये नाले कॉन्ट्रेक्टर के, जो सफाई करने कॉन्ट्रेक्टर है यही करते हैं। दो कॉन्ट्रेक्टर है इसमें, भानुशाली और उनका एक है। ये सब इनको ब्लैकलिस्टेड करने के लिए बोला गया, इनको सफाई नहीं देने के लिए बोला गया, तो भी सत्ताधारी के लोग उनको देने ही बोलते। नालों की सफाई अगर हुई होती बराबर तो जरा भी बारिश में शहर का हाल इतना बुरा नहीं होता। अभी आने वाले दिनों में क्या बारिश से इसी तरह मुंब्रा शहर में जल भराव होगा, या फिर कॉन्ट्रेक्टर जो है वो नालों की सफाई कराएंगे। अगर नालों की सफाई नहीं हुई तो मुंब्रा शहर में इसी तरह का जलभराव इस बारिश में देखने को मिलेगा। तो तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए प्रहार टाइम्स।